रॉबिन जी ना, अभी को हल्दी वाला दूध दिया? नहीं दादी, बस देने जा रहा था। नहीं तो ऐसा कौन सा जरूरी काम आ पड़ा था जो ये काम नहीं किया? पता है ना उसकी तबीयत कितनी बिगड़ी हुई है, हल्दी वाला दूध नहीं पिएगा तो ठीक नहीं होएगा वो। ओए दीदी ठंड पाओ, ऐसा ना हो कि अभी की तबीयत ठीक करते करते आप अपनी तबीयत बिगाड़ लो। लो आ गए साहबजादे। अरे अभी तू आ गया बेटा, अच्छा हुआ मैंने तेरे लिए हल्दी वाला दूध बनवाया है। दादी आप मेरा कितना ख्याल रखती है, आपको मेरी इतनी फिक्र रहती है ना, आप मेरे लिए इतना करती है तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं भी आपके लिए कुछ करूँ। क्या? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये क्या बचपन है? दादी से मजाक कर रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा दादी, वैलेंटाइंस डे का मतलब ये होता है कि आप जाकर उससे अपनी दिल की बात कहो जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। दादी सबसे ज्यादा प्यार तो मैं आप ही से करता हूं, और आप भी मुझसे थोड़ी ना कोई कम प्यार करती है। मम्मी पापा दादी तीनों का प्यार दिया है आपने मुझे। लोगों को जब थोड़ा सा प्यार मिलता है वो लोग पागल हो जाते हैं। दादी आपने मुझे लव का ट्रिपल तड़का दे दिया। जब आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकती है तो क्या मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकता क्या? देख तेरा प्यार तो मैं रोज देखती, और मुझे मेरा प्यार दिखाने के लिए किसी दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता। इसे माना जाए ना तो हर दिन वैलेंटाइन डे ही होता है, पर आज का दिन ऐसा है जिसमें अपने प्यार को जाना जाता है, पहचाना जाता है। और आज के दिन मैं भगवान से यही मांगती हूँ कि बेटा तुझे तेरा सच्चा वैलेंटाइन मिल जाए, जिसके साथ तू एक दिन नहीं पूरी जिंदगी हंसते खेलते गुजार दे। दादी प्लीज अभी आप भी शुरू मत हो जाइए, मैं पहले से ही कंफ्यूज हूँ, परेशान हूँ कि कौन सा रास्ता ले लूँ। अगर आपने मुझे दोहरा रास्ता दिखा दिया तो दादी पहले तो मैं दोहराहे पर खड़ा था फिर चौराहे पर खड़ा हो जाऊंगा। तो प्लीज आज के लिए मेरा वैलेंटाइन एक ही बस। अगर ऐसी बात है ना तो सब कुछ अपने दिल पे छोड़। कहते हैं कि जब मुश्किल में होते हैं ना तो अपने दिल की सुननी चाहिए, वो जहां ले जाए जिस रास्ते पे ले जाए चले जाओ, वहीं तुम्हें तुम्हारा वैलेंटाइन मिलेगा, सच्चा वैलेंटाइन। रॉबिन देखा अभी तक नहीं लेके आया हल्दी वाला दूध, मैं देखती हूँ। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा, हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। कर रहे हैं आप? तुम्हारी चोट देख रहा हूं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं।
करनी है? अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी करूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई, तुम्हारा नाक नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी